ठीक है, अब ये टॉपिक है क्या, इसको कैसे समझेंगे, सब ध्यान से देखना। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे है ना, वन सेकेंड, मान लो कि ये एक बंदा है, सपोज करो कि ये एक बंदा है ए और ये एक बंदा है बी, और मान लो कि इसकी जो वेलोसिटी है वो है वी ए और इसकी जो वेलोसिटी है वो है वी बी। तो मैं अगर पूछूं कि अगर ए बी को देखेगा, अगर ए वाला बंदा बी को देखेगा तो ए के हिसाब से बी की वेलोसिटी क्या है, तो वी बी ए का मतलब होता है, वी बी ए का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। वी बी ए का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में। उसी तरीके से अगर वी ए बी में पूछूं तो वी ए बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। विथ रेस्पेक्ट मतलब ए अगर बी को देख रहा है, और वी ए बी का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बी ए को देख रहा है ना। तो याद रखना, वी बी ए का फॉर्मूला जो होता है वो होता है वी बी माइनस वी ए, और वी ए बी का जो फॉर्मूला होता है जो पहले है वो पहले आएगा, वो क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी। सबसे पहले अपनी कॉपी में तुम ये दोनों चीजें लिख लो, वी बी ए और वी ए बी, और इन दोनों का मतलब क्या होता है, फिर मैं इनको तुम्हें यूज करना सिखाता हूँ। तो इसका लॉजिकल मतलब क्या है, वी बी ए का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो अगर ए बी को देखेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी बी ए। कई लोग इसको वी बी स्लैश ए भी लिखते हैं, कई लोग ए स्लैश बी भी लिखते हैं। तो वी ए स्लैश बी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, है ना। तो ये आप ये दोनों फॉर्मूला लिख लो, कौन सा, वी बी ए और वी ए बी का फॉर्मूला लिख लो अपनी कॉपी में। तो वी बी ए इज बेसिकली वी बी माइनस वी ए, वी ए बी इज बेसिकली वी ए माइनस वी बी। अब इनको यूज कैसे करना है मैं वो बताता हूँ, पहले आप ये फॉर्मूला लिख लो अपनी कॉपी सर, में। आप पूछो। मैं ये पूछ रहा था कि इसमें जो वेलोसिटी ऑफ ए है और वेलोसिटी ऑफ बी है वो किसके रेस्पेक्ट में होगी, जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट बीबीएमआई में ग्राउंड जो के रेस्पेक्ट ग्राउंड मतलब जो चीज स्टेशनरी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ये ए और बी है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट, मतलब मान ले तो अर्थ पे खड़ा है और तो मूव नहीं कर रहा है, तो ये वी बी और वी ए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। सर हाँ पूछो। तो अभी तक आपने क्या क्या बताया, वापस एक्सप्लेन कर दो सर। नहीं, मैंने अभी यही बताया खाली कि अभी हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो मान ले मुझे बी की वेलोसिटी निकालनी है ए के रेस्पेक्ट में, तो वी बी ए का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। अगर ए बी को देख रहा है तो उसकी वेलोसिटी वी बी है, अगर बी ए को देख रहा है तो वी ए बी। तो जिसकी वेलोसिटी है वो पहले आएगा, जो देख रहा है वो बाद में आएगा। तो वी ए बी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए, कौन देख रहा है, बी। वी बी ए का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी, कौन देख रहा है, ए। तो ये इन दोनों का लॉजिकल मतलब है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला लिख लो एक बार, वी बी ए और वी ए बी का। अब देखो, अभी हम पढ़ रहे हैं वन डायमेंशन मोशन, है ना, क्या पढ़ रहे हैं, वन डायमेंशन। तो याद रखना, अगर वेलोसिटी इधर की तरफ है तो पॉजिटिव लेनी है, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लेनी है, पीछे की तरफ है तो नेगेटिव लेनी है, और नीचे की तरफ है तो नेगेटिव लेनी है, ठीक है। ये वाला फंडा तुम याद रखना, ग्राफ में भी यही फंडा होता है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो अब अगर मान लो कि जो बंदा ए है, मान लो ये है ए, सपोज करो ये इधर की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये एक बंदा है बी, मान लो ये इधर की तरफ जा रहा है 60 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ वी ए बी क्या होगा और वी बी ए क्या होगा, तो पहले अपने को क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए अपन कितना लिखेंगे, +20 मीटर पर सेकेंड। +20 क्यों, 20 क्यों आएगा, क्योंकि ए वाला बंदा उधर जा रहा है, ए वाला बंदा कहाँ जा रहा है, उस तरफ, और वो डायरेक्शन क्या होती है, वो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव, है ना। और ध्यान से देखो, बी वाला बंदा कहाँ जा रहा है, बी वाला बंदा इस तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगा -60 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस क्यों लिया, समझ में आया, क्योंकि ये डायरेक्शन तो होती है पॉजिटिव और ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव। सिमिलरली ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव, है ना। ये सब फंडे तुम्हें याद रखने हैं। तो वी ए बी का मतलब है, वी ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, वी ए बी का फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, वेलोसिटी ऑफ ए है 20, फिर लगाओ माइनस, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है -60, माइनस माइनस प्लस, तो 20 + 60 कितना हो गया, 80 मीटर पर सेकेंड, है ना। और वी बी ए क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। मैं वापस इसका मतलब तुम्हें समझाऊंगा। तो वी बी क्या होता है, -60 माइनस वी ए कितना है, 20,
तो माइनस 60 माइनस 20 कितना हो गया, ये हो गया आपका माइनस 80 मीटर पर सेकेंड। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, VAB का मतलब क्या है? VAB का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में क्या है, बी के रेस्पेक्ट में मतलब क्या है कि बी अगर ए को देखेगा तो ए की वेलोसिटी क्या है। उसी तरीके से VBA का मतलब क्या होता है, VBA का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब ए अगर बी को देखेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो ये तो हो गई फॉर्मूले की बात, अब आते हैं अपन लॉजिक पे। मैं फॉर्मूला तुम्हें वापस प्रैक्टिस कराऊंगा, अब आते हैं अपन लॉजिक पे। सपोज करो कि ये तुम हो, ठीक है, ए, और ये तुम्हारा फ्रेंड है, ये बी। मान लो तुम जा रहे हो 60 मीटर पर सेकंड से और तुम्हारा फ्रेंड भी जा रहा है 60 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो तुमने कभी देखा है, अगर मान लो कि तुम अगर स्कूटी पे जा रहे हो और तुम्हें इस बंदे से बात करनी है, तो अपन क्या करते हैं, अपन दो अपनी स्पीड इसके बराबर कर देते हैं, तो अपन दोनों ऐसा लगता है ना साथ साथ चल रहे हैं। तो अगर तुम इसको देखोगे तो तुम्हें ये रेस्ट पे लगता है कि नहीं लगता है, तुम्हें लगता है ना रेस्ट पे, लेकिन रियलिटी में रेस्ट पे नहीं है, है क्या? तुम भी उधर जा रहे हो मान लो 20 मीटर पर सेकंड से और तुम्हारा दोस्त भी उधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो तुम जब इसको देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा, ये रेस्ट पे। लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है, रियलिटी में तुम दोनों जा रहे हो। तो देखो, अगर ए की वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड है, बी की भी 60 मीटर पर सेकंड है, तो तुम जब इसको देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा, अरे ये तो रेस्ट पे ही तो है। क्यों लगेगा रेस्ट पे, क्योंकि तुम दोनों बराबर वेलोसिटी से जा रहे हो। तो अपन अब फॉर्मूले से देखते हैं, फॉर्मूले से क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा वीबी माइनस वी ए। तो वीबी कितना है, देखो ये भी उधर जा रहा है, तो वीबी कितना है 60, माइनस ये भी उधर जा रहा है, 60 माइनस 60 कितना हो गया, जीरो। तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो आई, मतलब ए जब बी को देखेगा तो ए को क्या लगेगा, अरे यार बी तो रेस्ट पे है, बी की वेलोसिटी क्या है, जीरो। पर रियलिटी में दोनों किस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं। ओके, कोई डाउट है किसी को इसमें, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। अच्छा, अब देखो, तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि मेरे रिलेटिव उसकी वेलोसिटी क्या है, है ना। अब देखो वापस लॉजिक से देखो, मान लो एक सेकंड ना, मैं क्वेश्चन करा दूं। मान लो ये एक बंदा है, ठीक है, और ये बंदा सपोज करो इधर की तरफ आ रहा है 60 मीटर पर सेकंड से, और ये एक दीवार है, ये क्या है, एक दीवार है, ठीक है। तो आपको बताना है, मान लो दीवार को मैं डिनोट करता हूं W से, इस बंदे को डिनोट करता हूं मैं M से, आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ वॉल विथ रेस्पेक्ट टू मैन क्या होगा। VWM का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ वॉल विथ रेस्पेक्ट टू मैन क्या होगा ये। और मैं तुम्हें फॉर्मूला लिख के रखा है, VAB का फॉर्मूला क्या होता है, VAB माइनस VB। देखो VWM का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा VW माइनस VM। एक तो फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब सुनो, अब दीवार तो नहीं चलती है, क्या दीवार चलती है क्या, तो वेलोसिटी ऑफ वॉल क्या हो जाएगा, जीरो। और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, देखो मैन उस तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना आ जाएगा, प्लस 60 आएगा। तो दोनों वैल्यू पुट करोगे तो जीरो माइनस 60, तो ये कितना आया, माइनस 60 मीटर पर सेकेंड। और अगर तुम कभी है ना, जैसे मान लो तुम कभी नाव में ट्रेवल कर रहे हो या तुम किसी दीवार की तरफ स्कूटी लेके जा रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि दीवार तुम्हारी तरफ आ रही, यही लगता है ना। अगर अपन ध्यान से किसी दीवार को देखें और अपन गाड़ी में बैठे हैं, तो अपने को क्या लगता है कि वो दीवार अपनी तरफ आ रही है। तो ध्यान से देखो, इस नेगेटिव का मतलब क्या है, इस नेगेटिव का मतलब है कि आपको लगेगा कि दीवार कहाँ आ रही है, पीछे की तरफ, और किस वेलोसिटी से आ रही है, 60 से। तो एक तो तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, क्या फॉर्मूला है, VAB होता है VA माइनस VB, जो पहले वो पहले आएगा, जो बाद में आएगा, बीच में क्या आएगा, माइनस, है ना। और साइन कन्वेंशन क्या है, जो उधर है वो पॉजिटिव, जो पीछे है वो नेगेटिव, जो ऊपर है पॉजिटिव, जो नीचे है वो नेगेटिव। कोई डाउट है किसी को सर? हाँ पूछो सर। यहाँ पे वॉल तो नहीं चलेगी तो वेलोसिटी आपने जीरो ले ली, लेकिन अगर अपन बोट में ट्रेवल करेंगे तो वाटर तो साथ साथ चलेगा ना एक तरीके से। तो हाँ ठीक है, मैं तेरा वाला क्वेश्चन भी लेता हूँ, तुमने जो क्वेश्चन पूछा मैं वो भी ले रहा हूँ, है ना। पर तुमने जो बेसिकली क्वेश्चन पूछा ना, वो मोशन इन टू डायमेंशन का क्वेश्चन है, इसलिए मैं उस तक अभी तक पहुंचा नहीं हूँ। लेकिन तुमने जो पूछा है, अपन क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सपोज करो कि ये वाटर है, ये क्या है, पानी है, ठीक है, और इस पानी पे ये एक नाव है, और मान लो कि इस नाव में तुम बैठे हुए हो, ठीक है, और मान लो कि ये एक दीवार है, है ना, ये दीवार है, मान लो ये वॉल है, और मान लो कि तुम्हारी जो बोट है, ठीक है, सपोज करो ये पानी आगे जा रहा है 80 मीटर पर सेकंड से, पानी कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है 80 मीटर पर, मान लो ये रिवर है, तो आपको जो रिवर की वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है, 80 मीटर पर सेकंड, और
ये जो बोट है, सपोज करो आपको VBR दे रखा है, आपको VBR कितना दे रखा है 20 meter per second. और VBR का मतलब क्या है? VBR का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर. इसका मतलब क्या है? तो मैं इस पूरे क्वेश्चन को तुम्हें खुद सॉल्व कराऊंगा. आपको बताना है कि VWB कितना होगा. अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूं, ठीक है? देखो, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं. वेलोसिटी ऑफ वॉल कितना है? जीरो, कोई डाउट नहीं है. वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी लिखूंगा मैं? प्लस 80, क्योंकि रिवर कहां जा रही है? उस तरफ, वो डायरेक्शन पॉजिटिव होती है. अब अपने को VBR दे रखा है. VBR का मतलब क्या दे रखा है? अपने को दे रखा है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर. तो VBR का फॉर्मूला क्या होता है? VB माइनस VR इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20. तो VB VR की वैल्यू पुट करो तो VB माइनस 80 कितना आया? 20. तो ध्यान से देखो वेलोसिटी ऑफ बोट कितना आया. इस 80 को उधर भेजो तो 80 प्लस 20 कितना आया? 100 मीटर पर सेकेंड. आया समझ में? तो वेलोसिटी ऑफ बोट ये दे रखा है. अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ वॉल विथ रेस्पेक्ट टू बोट. तो वो क्या हो जाएगा? VW माइनस VB. तो VW तो जीरो है, VB कितना है? 100. तो ये कितना आया? माइनस 100 मीटर पर सेकेंड. ये क्वेश्चन तुम्हें पक्का तुम्हारे एग्जाम में मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन है ना. तो इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लो. तरीका क्या है? जो गिवन है पहले लिख लो, सेकंड जितने फॉर्मूले लिख लो, वैल्यू पुट करो, आंसर अपने आप आ जाएगा. आया समझ में तुम्हें? VBR का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, है ना. तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या पुट किया? VB माइनस VR. तो अगला क्वेश्चन अब तुम लोगों को सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन है ये कि ये एक बोट है, ठीक है, ये एक बोट आपको दे रखी है, सॉरी रिवर है, और ये एक बोट है, और इस बोट में ये एक बंदा है, ठीक है. मान लो ये बंदा है M1. इस बोट को डिनोट करता हूं मैं बी से, रिवर को डिनोट करता हूं मैं आर से. आपको दे रखा है, आपको दे रखा है कि VBR जो है वो है 60 मीटर पर सेकेंड. तो मान लो खाली M से डिनोट करते हैं, M से. तो आपको दे रखा है कि VMB वो आपको दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड. आपको क्या दे रखा है? VBR दे रखा है 60, VMB दे रखा है 30. और यहाँ पे एनोटेशन मत बनाओ यार. पर आपको दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो है 40 मीटर पर सेकेंड. तो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होगा, और तीसरा आपको बताना है कि VMR कितना होगा. तीनों निकालना है, ट्राई करो, सोचो कैसा होगा. कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? VBR दे रखा है आपको वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, VMB आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बोट, और VR आपको दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड. मतलब रिवर जो है वो उस तरफ जा रही है. तो आपको बाकी दोनों वैल्यू निकालनी है. ट्राई करो, मैं तो इसको सॉल्व कराऊंगा यू. तुम्हारे पास जो जो गिवन है वो लिखा हुआ है, आप जो फॉर्मूले वो पुट कर दो. तो VBR 60 है, तो VBR को अपन क्या पुट कर सकते हैं? VB माइनस VR, ये कितना है? 60. पर VR कितना दे रखा है? 40. तो VB माइनस 40 इक्वल टू 60. तो VB कितना आ गया? 40 प्लस 60 कितना होता है? कोई डाउट तो नहीं है? ये कैसे आया कि डाउट है किसी को? अब VMB क्या होता है? देखो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू बोट. VMB का मतलब है मैन की वेलोसिटी बोट के रेस्पेक्ट में. मतलब अगर तुम बोट अगर आदमी को देखेगी तो VMB का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा VM माइनस VB, और ये कितना दे रखा है? 30. VB को 100 पुट कर दो तो VM माइनस 100 इक्वल टू 30. तो 100 को इधर भेजो तो VM कितना आया? 100 ऐड हो जाएगा तो 130 मीटर पर सेकेंड. तो VB कितना आया? 100, और ये कितना आया? 130. और VMR क्या होगा? ये हो जाएगा VM माइनस VR. तो VM कितना है? 130, और VR कितना है? 40. तो ये कितना आया? 90 मीटर. कोई डाउट है किसी को ये क्वेश्चन कैसे हुआ? तुम इसके लॉजिक में जाओ यार. लॉजिक मतलब अगर एक इंसान दूसरे इंसान को देख रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी. किसी को अब तक कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं. अच्छा, कोई डाउट नहीं है तो अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से करते हैं. सपोज करो कि ये एक रेलगाड़ी है. क्या है ये? रेलगाड़ी. और ये रेलगाड़ी उस तरफ जा रही है 100 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है. यहां पे अंदर एक बंदा बैठा हुआ है
यहाँ पे आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर एक बंदर है, क्या है बंदर, तो ये आदमी जब इस बंदर को देख रहा है तो वेलोस, मान लो इस बंदर को डिनोट करता हूं मैं बी से, आदमी को डिनोट करता हूं एम से, और रेलगाड़ी को डिनोट करता हूं आर से, तो आपको दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ बंदर विथ रेस्पेक्ट टू आदमी, आदमी मतलब मैन, बंदर मतलब बी, ये आपको दे रखा है -30 मीटर पर सेकेंड। क्या दे रखा है आपको? -30 मीटर पर सेकेंड, VBM। क्या दे रखा है? -30। तो आपको मुझे क्या क्या निकाल के बताना है, अब ध्यान से सुनना। एक आपको निकालने बताना है कि वेलोसिटी ऑफ बंदर कितना होगा, एक आपको निकाल के बताना है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू बंदर कितना होगा, अगर बंदर आदमी को देख रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तीसरा आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रेल कितना होगा। सॉल्व करो क्वेश्चन, ध्यान रखना आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है, आदमी ट्रेन में चल नहीं रहा है, आदमी यहां पे बैठा हुआ है, तो आपको ये तीन चीजें निकाल के बतानी है, बंदर की वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ एम विद रेस्पेक्ट टू बी कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रेल कितना होगा, और वी आर आपको कितना दे रखा है 100। सॉल्व करो सब, बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करो। सर डन हो गया, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, हाँ 2 मिनट सबको करने दो। यस सर, सर डन, देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तुम लोग बस एक बार कंफर्म कर लेना। देखो जिसको नहीं आया वो भी अब ध्यान से समझो कि ये क्वेश्चन कैसे होता है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, देखो वेलोसिटी ऑफ रेल गिवन है कितनी है, +100 मीटर पर सेकेंड, कोई डाउट तो नहीं है, ट्रेन उधर की तरफ जा रही है। देखो फिर आपको वी एम, अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर तुम ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, तुम चल नहीं रहे हो ट्रेन में, तो जो ट्रेन की वेलोसिटी की हुई तुम्हारी होगी ना, तो वी एम भी कितना होगा, +100 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये बंदा तो ट्रेन में बैठा है, अगर ट्रेन उधर जा रही तो बंदा भी साथ में उधर ही जाएगा ना, अगर ये बंदा चल रहा होता तो बात अलग होती, ठीक है। तो अब वी बी एम ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है -30, तो VBM का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है VB-VM, ये कितना है -30, तो वैल्यू पुट कर दो किसकी, अपने पास VM है 100, तो VB-100 इक्वल टू -30, तो VB कितना आएगा, ये आएगा 70 मीटर पर सेकेंड। आए समझ में, ये तो आ गया VB आ गया, और देखो VMB का फॉर्मूला क्या होगा, VMB का फॉर्मूला होगा VM-VB, है ना, इसको तुम सॉल्व करना तो ये तुम्हारे पास 30 आ जाएगा, और तीसरा है VMR, तो VMR का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, VMR का फॉर्मूला आ जाएगा VM-VR, लेकिन VM और VR दोनों बराबर है, तो ये कितना आ गया, जीरो, ठीक है। अब देखो इस VB इक्वल टू 70 मीटर का पर सेकंड का मतलब क्या है, कि बंदर की वेलोसिटी 70 है, मतलब बंदर आगे जा रहा है किससे, 70 मीटर पर सेकंड से, तो रियलिटी में बंदर की वेलोसिटी कितनी है, 70। ये आदमी जब देख रहा है तो आदमी को लग रहा है बंदर पीछे जा रहा है ना, तो ये इनके लॉजिकल मतलब है। कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में, किसी को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो, अच्छा कोई डाउट नहीं है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक ट्रेन है, आपके पास एक ट्रेन है ये रही, ठीक है, ये ट्रेन ऊपर की तरफ जा रही है, और ये ट्रेन जा रही है 100 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। यहां पे अंदर एक बंदा है, ये बंदा ट्रेन के अंदर इधर की तरफ आ रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, मतलब ये ट्रेन के अंदर पीछे की तरफ चल रहा है किससे, 30 मीटर पर सेकंड से, ये बंदा पीछे की तरफ चल रहा है ट्रेन के अंदर, मतलब इसको ऐसे समझो, मान लो यहां पे कोई बंदा बैठा है इस जगह, तो उसके लिए ये बंदा कहां जा रहा है, इस तरफ, मान लो ये एम वन है, मान लो ये आदमी है एम टू, तो आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ एम टू विथ रेस्पेक्ट टू एम वन, आपको दे रखा है -30। -30 क्यों लिया, क्योंकि ये पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ट्रेन का जा रही है ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ एम टू कितनी है, आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ एम वन कितनी है, पर आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ एम टू विथ रेस्पेक्ट टू रेल कितना है,
तीनों बताना है. वेलोसिटी ऑफ एम टू कितना है, वेलोसिटी ऑफ एम वन कितना है, और वेलोसिटी ऑफ एम टू विद रेस्पेक्ट टू आर कितना है. सब लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को, सब लोग ट्राई करो. ट्रेन ऊपर जा रही है, ट्रेन मतलब रेल. हाँ याद रखना, यहाँ पे अपन ऊपर पॉजिटिव लेंगे और नीचे की तरफ नेगेटिव लेंगे. हाँ पूछो. देखो रेल ऊपर जा रही है तो जो गिवन है पहले लिखते जाओ अपनी कॉपी में. सर ये माइनस 30 कौन से मैन की है, एम वन या एम टू? एम टू की, ये दे रखा है ना मैंने, वेलोसिटी ऑफ एम टू विद रेस्पेक्ट टू एम वन. तो एम वन अगर एम टू को देख रहा है तो उसकी वेलोसिटी माइनस 30 है. तो जो जो गिवन है वो साइड में लिखते जाओ. जैसे वेलोसिटी ऑफ रेल मैंने गिवन दे रखी है, कितनी है, प्लस 100. ठीक है, और ध्यान से देखो M1 जो है वो तो ट्रेन में बैठा हुआ है ना, M1 तो ट्रेन में बैठा हुआ है, तो M1 की तो वही वेलोसिटी होगी जो ट्रेन की होगी. तो M1 की वेलोसिटी भी कितनी आ जाएगी, प्लस 100 मीटर पर सेकंड. अब अपन जो अपने को तीसरा वाला दे रखा है ना वो लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ M2 विद रेस्पेक्ट टू M1 कितनी दे रखी है, माइनस 30. तो फॉर्मूला पुट करो, वी एम टू माइनस वी एम वन कितना दे रखा है, माइनस 30. तो यहाँ पे वी एम टू माइनस 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 30. ये उधर जाएगा तो वी एम टू कितना आया, वी एम टू आया 70 मीटर पर सेकेंड. तो वी एम टू आ गया, वी एम एन आ गया. और तीसरा क्वेश्चन है वी एम टू विद रेस्पेक्ट टू आर, तो वी एम टू विद रेस्पेक्ट टू आर क्या हो जाएगा, वी एम टू माइनस वी आर. बस वैल्यू पुट कर दो, 70 माइनस 100 ये कितना आएगा, माइनस 30. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट है तो पूछो इसमें. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, है ना. तो मैं इसमें कोई भी डाउट आए ना तो मुझे पूछ लो. रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि एक चीज की वेलोसिटी किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है. जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं तो तुम्हारी वेलोसिटी मेरे रेस्पेक्ट में क्या है, ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी. ओके, कोई डाउट है किसी को इसमें? अच्छा, कोई डाउट नहीं है तो अब अपन नीचे की तरफ अगली स्लाइड पे आते हैं. किसी को भी रिलेटिव वेलोसिटी में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो. तो रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज बेसिकली इक्वल टू वी बी माइनस वी ए. बस ये फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है और साइन कन्वेंशन तुम्हें लगाना आता है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन को टफ नहीं होगा, है ना. ओके, भाई ये जिसका चालू है. ओके, अब मैं आता हूं नेक्स्ट चीज पे. देखो रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट खत्म हुआ, अब सब ध्यान से देखो. जिस तरीके से वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होता है, वी बी माइनस वी ए, इसको लिख लो अपनी कॉपी में. अगर दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में तो अपन क्या बोलेंगे इसको, डी वी बी ए बाय डी टी. ऐसे डिफ्रेंशिएट करते टाइम के रेस्पेक्ट में, वी बी को करोगे तो क्या आएगा, डी वी बी बाय डी टी माइनस वी ए क्या करोगे तो क्या आएगा, डी वी ए बाय डी टी. तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, और वी बी बाय डी टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी, क्योंकि ए क्या होता है, डी वी बाय डी टी, और ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए. तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वही एक्सेलरेशन का होता है, लिख लो इसको. अरे हाँ पूछना, तुम्हारे पास जो भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछो यार, है ना. आप क्वेश्चन प्लीज पूछा करो मेरे से. एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए का फॉर्मूला लिख लो, है ना. जैसे वेलोसिटी होता है ना वैसे रिलेटिव एक्सेलरेशन भी होता है, लेकिन अपने मैक्सिमम केसेस में वेलोसिटी से ही क्वेश्चन आएंगे. ये तो सिर्फ मैं डेरिवेशन लिखवा रहा हूँ कि इससे ये आया कैसे. ओके अच्छा, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ. ये लिख लिया, वैसे भी ये स्लाइड में तुम्हें भेज दूंगा. अब मैं नेक्स्ट चीज पे आ रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्या है, अब ध्यान से देखना. सपोज करो कि ये तुम हो, ठीक है, और इधर एक चोर है. ये जो है ना, ये चोर है. सपोज करो ये आ रहा है 80 मीटर पर सेकेंड से. किससे आ रहा है, 80 मीटर पर सेकेंड से. ये आया, तुम्हारा पर्स लेके भाग गया, तो ये जा रहा है. और तुमने इसको देखा
और तुमने तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट करी और तुम इसका पीछा कर रहे हो, तुम्हारा एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शुरू में तो तुम खड़े थे तो तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। और जैसे ही तुम्हारा पर्स चुड़ाया, ये तो जा रहा है आराम से, किससे जा रहा है? 80 मीटर पर सेकंड से। तो मेरा क्वेश्चन है कि तुम इसको कितनी देर के बाद पकड़ोगे, है ना? क्वेश्चन क्या है कि ये बंदा इसको कितनी देर के बाद पकड़ेगा। वापस क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ये तुम खड़े हो आराम से बढ़िया से और तुम्हारे पास पैसे वैसे हैं, पर्स वर्स है। इधर एक चोर आ रहा है 80 मीटर पर सेकंड से, इसने तुम्हारा पर्स चुराया और भाग गया। और वो किससे भाग रहा है? सेम 80 मीटर पर सेकंड से ही भाग रहा है। मतलब हर सेकंड वो कितना चल रहा है? 80 मीटर। जैसे ही तुम्हारा पर्स चुराया, तुमने तुम्हारी गाड़ी में एक्सेलरेशन चालू किया। एक्सेलरेशन मतलब तुमने गाड़ी में रेस देना चालू कर दी और तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और शुरू में तुम खड़े थे तो तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। तो मेरा क्वेश्चन है कि तुम इस चोर को कितनी देर के बाद पकड़ोगे? तो कैसे करते, ध्यान से देखो। सपोज करो कि तुमने उसको टी टाइम में पकड़ लिया। कितने टाइम में? टी टाइम में पकड़ लिया, ठीक है? तो अगर तुमने उसको टी टाइम में पकड़ लिया, मान लो यहां पकड़ लिया, तो जितना तुम चलोगे उतना ही वो चलेगा, क्योंकि यहां के बाद तुमने यहां पे उस चोर को पकड़ लिया तो तुम भी यहां से यहां तक आए और चुराने के बाद वो भी यहां से यहां तक आया, तो दोनों की डिस्टेंस निकालते हैं। तो थीफ कितनी डिस्टेंस चलेगा वो देखते हैं। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है? यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो देखो, जो अपना चोर है उसकी वेलोसिटी कितनी है? 80। टाइम तो अननोन है प्लस, लेकिन ध्यान से देखो, चोर की वेलोसिटी तो 80 मीटर पर सेकंड फिक्स है, ना तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना घट रही है। तो चोर का एक्सेलरेशन 0 है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ कितना हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ हुआ 80 × t। अब तुम कितना चलोगे, ध्यान से देखो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन, वो क्या आ जाएगा? यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। लेकिन शुरुआत में तुम तो खड़े थे तो तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो 0 × t प्लस हाफ, तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना है? 2, और टी का स्क्वायर, तो 2 से 2 चला गया। तो तुम कितना चले? टी स्क्वायर। वो कितना चला? 80 t। लेकिन तुम जब पकड़ोगे तो जितना तुम चले उतना ही वो चला, तो 80 t इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। टी से टी गया तो तुम कितने टाइम में पकड़ोगे उसको? 80 सेकंड्स के बाद पकड़ोगे। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो तुम्हें उनको इस तरीके से सॉल्व करना होता है। अपनी एनसीईआरटी में पीछे बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में? जनरली ऐसे क्वेश्चन किए जाते, कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं कि तुम्हें किसी को पकड़ना है तो जितना तुम चलोगे उतना ही वो चलेगा, तभी तुम उसको पकड़ पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। सर, तो थीफ एक डिस्टेंस पे जाकर रुक जाता है? नहीं, रुकता नहीं है, वो भी चल रहा है, तुम भी चल रहे हो, लेकिन कुछ देर के बाद तुम पकड़ लोगे। तो फिर सर, हमारी स्पीड तो 2 है और उसकी 8 है। 2 नहीं है, एक्सेलरेशन 2 है। अपना एक्सेलरेशन 2 है, अपनी वेलोसिटी 2 है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? कि तुम्हारी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। ठीक है सर, ठीक है, समझ में। तो अगला क्वेश्चन अब तुम लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि शायद मीटिंग खत्म हो जाएगी। एक सेकंड, ये क्वेश्चन में दे दूं। मान लो कि ए ए यहाँ पे खड़ा है और बी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है? दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं, बहुत गहरी दोस्ती है, और दोनों में 1000 मीटर का मतलब डिस्टेंस है। जैसे ही ए ने बी को देखा, जैसे ही बी ने ए को देखा, पहले दोनों खड़े थे, तो ए इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बी इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। दोनों भाग रहे हैं दूसरी तरफ, तो आपको बताना है कि दोनों कितनी देर के बाद मिलेंगे। ट्राई करो, आपको क्या बताना है कि दोनों कितनी देर के बाद मिलेंगे। लगाओ दिमाग, देखो ऐसे क्वेश्चन के। मान लो कि ये दोनों यहां मिले, कहां मिले? रास्ते में कहीं मिलेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि भाई और मिलेंगे। मान लो कि दोनों कहां मिले? यहां मिले, तो मतलब आपका जो ए बंदा है वो यहां तक आया, आपका जो बी बंदा है वो यहां तक आया, कोई डाउट तो नहीं है। तो ए कितना चलेगा? ऐसे। मान लो बी कितना चलेगा? एस बी। तो ध्यान से इस डायग्राम को देखो, तो ए और बी जितना चलेंगे वो मिला के कितना होगा? 1000 ही होगा ना, क्योंकि ए यहां से यहां तक आया, बी यहां से यहां तक आया, और टोटल डिस्टेंस है कितनी? 1000, ठीक है? अब ध्यान से देखो, शुरू में ए बी रेस्ट पे था, तो यू ए कितना आ जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए 0। शुरू में बी भी रेस्ट पे था तो यू बी कितना आ जाएगा? यू बी भी आ जाएगा तुम्हारा 0, ठीक है? अब अपन निकालते हैं कि ए कितना चला, तो ऐसे क्या हो जाएगा? यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यही आएगा। तो यू ए तो 0 है, तो 0 × t प्लस हाफ,
एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है, टू इंटू क्या आ जाएगा टी का स्क्वायर, टू से टू चला गया। अब अपन निकालते कि बी कितना चला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, तो ये आ जाएगा यू बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, लेकिन शुरू में तो बी भी खड़ा था, तो जीरो इंटू टी प्लस हाफ, बी का एक्सेलरेशन कितना है चार इंटू टू का स्क्वायर, तो टू से टू गया टू टी स्क्वायर, तो ये कितना चला टी स्क्वायर, वो कितना चला टू टी स्क्वायर। तो बेसिकली अपनी इक्वेशन क्या बनी, अपनी इक्वेशन बनेगी टी स्क्वायर प्लस टू टी स्क्वायर इक्वल टू थाउजेंड, तो थ्री टी स्क्वायर किसके बराबर आ गया थाउजेंड के, इसको तुम सॉल्व कर लो, थ्री को इंच लेके जाओ रूट ले लो। आया तुम्हें समझ में कि ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं, कोई डाउट है किसी को? यहाँ पे मैं पता है मैं ये वाली इक्वेशन पुट कर सकता हूँ, कौन सी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है कॉन्स्टेंट है, अगर कॉन्स्टेंट नहीं होती तो अपने को किसकी जरूरत पड़ती है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। अच्छा कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें आप। यस सर, मेरा डाउट है कि अगर इसमें हम एक्सेलरेशन सेम रखते तो क्या होता? सेम ले ले, क्या फर्क पड़ता है, बीच में मिलते हैं। अभी जो अभी क्वेश्चन के हिसाब से देख, इसका एक्सेलरेशन 2 है पर इसका 4 है, मतलब ये तेज आ रहा है ना, ये तेज आ रहा है और ये धीरे आ रहा है, तो निकाल भी सकता है कहां मिलेंगे, क्योंकि यहां से टी मिल जाएगा, उस टी को इस वैल्यू में पुट कर दे, ऐसे की वैल्यू में, ऐसे कितना है टी स्क्वायर, इस टी को इसमें पुट कर दे तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मिल जाएगा। ओके सर। ओके अच्छा, अब मैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, वो तुम्हें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये, आपके पास ये एक बंदा है ए, देखो इन क्वेश्चन को देखे घबराना मत बिल्कुल भी, है ना, तो आपके पास ये एक बंदा है ए और यहां पे एक बंदा है बी, ठीक है। जो ए वाला बंदा है, देखो जो बी वाला बंदा है वो आगे जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, किससे जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, और ये बी वाला बंदा जो है ये इससे अभी 200 मीटर पीछे, कितना पीछे 200 मीटर, और इसको पकड़ना है, अभी ये रेस्ट पे है, शुरू में रेस्ट पे है, ये 40 पे है, तो इसको पकड़ना है, तो इसने एक्सेलरेट करना चालू किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो आपको बताना है कि ये इसको कितनी देर में पकड़ लेगा। ऐसे जितने भी क्वेश्चन है मैं तुम्हें करा रहा हूं ताकि तुम्हें आइडिया लग जाएगा कैसे करते हैं, आपको बताना है कि ये इसको कितनी देर में पकड़ लेगा। देखो तुम्हें दिमाग तो लगाना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा। सर रुको एक मिनट, सॉल्व कर रहा हूँ सर, एक मिनट रुको। अरे मेरी क्या मीटिंग थोड़ी देर में खत्म होने वाली, इसलिए तो तुम ऐसे एज्यूम कर लो कि यहाँ मिला, मान ले यहाँ पकड़ लिया, तो ये कितना चलेगा एस बी, मान लो ये जो चला वो एस बी, और ध्यान से देखो ए यहां से यहां तक आएगा, उसको पकड़ना है, तो ये कितना चलेगा ऐसे, लेकिन अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये तो 200 है, तो अपन एक इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इज इक्वल टू 200 प्लस, लिख सकते हैं इसको एस ए इक्वल टू 200 प्लस एस बी, कोई डाउट तो नहीं है। तो ध्यान से देखो जो अपना ए वाला बंदा है इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो बी वाला बंदा है ध्यान से देखो वो तो किससे चल रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, और उसका एक्सेलरेशन कितना है, उसका एक्सेलरेशन 0, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो इस बात को दिमाग में फिट कर लो, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, तो आपके पास यू ए है ए है, यू बी है ए बी है, तो बस ऐसे की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा यू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी UBT प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर, बस दोनों वैल्यू के पुट कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके देखो आज का टॉपिक थोड़ा ट्रिकी था,
क्योंकि लास्ट में मैंने ये जो तुम्हें क्वेश्चंस कराए ना, देखो इस लेवल के क्वेश्चन तुम्हें करने पड़ेंगे, है ना। आसान है, तुम ऐसे 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम आधी हो जाओगे इन क्वेश्चन के, है ना। और कोई डाउट हो तो ये वाली स्लाइड में तुम्हें भेज रहा हूँ, इसको तुम वापस देखना। अगर तुम्हें इस पूरी स्लाइड में कोई भी डाउट हो या कुछ भी समझ में नहीं आया, मुझे वापस बोलना, वापस पढ़ा दूंगा, लेकिन इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना, है ना। ये मीटिंग अब खत्म होने वाली है, तो तुम्हारे जो भी डाउट हो तुम मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। हाँ पूछो सर। तो वो 13 स्लाइड वाला क्वेश्चन एक बार वापस बता दो। 13 वाला, ये वाला, ये थी वाला ना। देख ये जो पीछे चोर आ रहा है वो आ रहा है 80 मीटर पर सेकंड से, चोर की वेलोसिटी ना बढ़ रही ना घट रही है, तो चोर का एक्सेलरेशन तो कितना हो गया, जीरो। तो चोर ने जैसे ही पर्स चुराया और मान ले टी टाइम के बाद तुमने पकड़ा, कितने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ कितना हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की जगह 80 आ जाएगा और चोर का एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो थीफ कितना चला 80 टी। और जैसे ही तेरा पर्स चुराया तो ये बंदा अब एक्सेलरेट करने लगा, किससे, टू से, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन कितना हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब शुरू में तो आदमी खड़ा था तो यू मैंने क्या ले लिया, जीरो, हाफ, और एक्सेलरेशन कितना है आदमी का, टू, तो आदमी कितना चला, टी स्क्वायर। लेकिन अगर तूने यहाँ पे पकड़ा तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितना तू चलेगा उतना ही तो चोर चलेगा, तो मैंने दोनों के डिस्टेंस बराबर कर दी, इससे टी आ गया 80 सेकंड। ओके अच्छा, अब मैं तुम्हें इसके क्वेश्चन भेजूंगा, वो तुम्हें ट्राई करने है ना, तो डरना मत, ट्राई करना और जो डाउट आए मुझसे पूछ लेना, ठीक है। हाँ हाँ, मैं तुम्हें वीडियो रिकॉर्डिंग और इसकी पीपीटी और शीट सब भेज रहा हूँ, है ना। तुम्हारे नेटवर्क इश्यू में कुछ है तो तुम मुझे बता दिया करो, है ना, मैं तुम्हें वापस समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो बाय यार, है ना।